2 जून 1947, जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने जा रहे थे। करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई। भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था। और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था, तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता, जिस पर ये विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हो गए? तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के बीच ही 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ। बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजहब के नाम पर बांट कर रख दिया। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। इसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इस्लामिक राष्ट्र की रूपरेखा रखी। इकबाल की कल्पना के इस अलग इस्लामिक देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया। जब 1933 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे बांटे, और करीब 7 साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इस्लामिक देश का प्रस्ताव पास किया, और 1947 में 10 लाख लोगों की लाश पर चढ़कर एक अलग इस्लामिक देश बना लिया। और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया, वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोक पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देश तोड़ने के इस खेल में एक हिस्सा भारत के कम्युनिस्टों ने भी निभाया, जब कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का समूह बताते हुए भारत विभाजन को मुस्लिम राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार बता दिया। साल 1945 में अग्रणी कम्युनिस्ट सिद्धांतकार कॉमरेड जी अधिकारी ने मुस्लिम लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए एक थीसिस दी। उनके शब्दों में 1940 से कम्युनिस्ट पार्टी ने ये देखना शुरू कर दिया कि तथाकथित सांप्रदायिक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगतिशील सार को देखें, तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। जब देश का विभाजन हकीकत बनना तय हो गया, तब सर रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सरहद तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों, तीर्थों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। 3 सप्ताह में तय कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान।
सदियों से एक जैसे इतिहास, भाषा, बोली, खान पान लिए रह रहे लोग गांव और शहर रातों रात दो देश बन गए। करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए और करीब 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गए। ये विभाजन जिसने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नरसंहार को जन्म दिया। शहर के शहर रातों रात खंडर में बदल गए। शहर दर शहर दंगे और आगजनी शुरू हो गई। वो लोग जो हवेलियों में रहते थे वो अब रातों रात रिफ्यूजी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटाकर लोग सड़ी गर्मी और बरसात में मीलों तक फैले काफिले हजारों की तादाद में अपनी जान बचाकर चले आ रहे थे। सबसे बुरा हाल महिलाओं का हुआ, जिन्हें इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया। ४९ के दशक में भारत की ही भांति नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की विभीषिका को आज पूरा संसार जानता है। 27 जनवरी को आज पूरा विश्व होलोकास्ट दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारत की ही पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने की कोशिश नहीं। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका का स्मरण करने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अटल जी की इन पंक्तियों को दोहराने का दिन है। तुम दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें।